वेलकम टू अनदर व्लाग मेरे व्लाग्स में आजकल बहुत गैप आ रहा है सॉरी फॉर देट बट एक रूटीन भी बनेगी एक्चुअली आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आ रहा तो फिर वो एक जो डिटर्मिनेशन होती है ना वो वीक हो जाती है खैर फाइनली रमज़ान बिल्कुल करीब है इज़ अराउंड द कॉर्नर और रमज़ान की तैयारियाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं Uh, मैं uh, मतलब इतना ज़्यादा हमारे घर में कोई इफ्तार का वो नहीं होता क्योंकि बच्चे नहीं हैं ज़्यादा बड़े हैं और सब अपने डाइट कंट्रोल करके खाते हैं तो मेरे लिए जो रमज़ान की प्रेप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होती बट बहुत सारे लोगों के जैसे मैं अपनी अम्मी के घर थी तो वहाँ पे रमज़ान की जो प्रप्रेशन रम ड्यूरिंग रमज़ान और रमज़ान से पहले बहुत एक्टिक होती थी हर चीज़ तैयार करके रखना और सब कुछ करना बट इस बार मैंने भी सोचा है कि मैं सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रखूँगी उसमें बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भी आ जाती हैं और आ, हमारे जो अमाल होते हैं उनसे रिलेटेड भी बहुत कुछ होता है आप सबको पता है रमजान कितना इम्पोर्टेंट है एक मुसलमान के लिए रमज़ान का ही महीना था जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ, कुरान मजीद की आयात नाजिल हुई थी पहली बार तो इसलिए ये हमारा एक होली मंथ भी कहलाया जाता है और इसमें रोज़े रखना हमारे लिए और भी ज़रूरी हो जाता है और इस इसकी फजीलत भी बहुत है हमें सवाब मिलता है बहुत सवाब मिलता है तो रमज़ान की प्रप्रेशन तो चलती ही हैं साथ साथ ज़िंदगी के जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो भी चलते हैं सो यहाँ पे एम्पोरियम में हमारा आना होता है थोड़े से काम थे मेरे भी और मेरे भतीजे की मतलब मेरी नंद के बेटे की बर्थडे आने वाली है मैंने उसके लिए भी कुछ देखना था ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट लिया उसको देने के लिए उसके घर भी जाना है सो so मैं सोच रही हूँ ये रमज़ान से पहले सारी चीज़ें क्ले, वो हो जाए ना मतलब मैं कर लूँ कंप्लीट uh, क्योंकि अब ये बर्थडे के लिए तो हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगा यहाँ से एम्पोरियम से छोटा बच्चा है दो साल का है और समझ ही नहीं आता कि ना क्या गिफ्ट दें क्या ना दें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता सो so, हमने डिसाइड किया कि हम पैसे ही दे, दे देंगे तो उसने जो लेना होगा उसकी मामा उसको लेके दे देंगी फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ से चल दिए हैं और ये वाला वीक भी मेरे लिए हैक्टिक होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे काम हैं करने वाले और रमज़ान भी आने वाला है रमज़ान की तैयारियाँ भी हैं और अच्छा रमज़ान के लिए सबसे रमज़ान में ना आप आप लोग जैसे हम लोगों को पता है कि जो खैरात होती है वो कितनी ज़रूरी होती है खैरात देनी चाहिए और अगर आपने पूरा साल नहीं भी दी है तो रमज़ान में जितना हो सके दें उसके सवाब तो कुछ और ही होते हैं ना बिल्कुल खैर शाम को जाने जाना था आज हमने डिनर पे मेरे मेरी नंद के बेटे की बर्थडे के डिनर पे और उसके लिए मैं आ गई मैंने सोचा मैं अपनी कार भी वॉश करवा लूँ और साथ में मेरे सूट का जो एक दुपट्टा जो मैंने सूट पहना है शाम को उसका दुपट्टा था उसको पीको करवा लिया और आ, मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने बेबी पीको करवाई है सिंपल पीको करवाती हूँ मैं कोई ख़ास इतनी लेसेस वगैरह नहीं लगवाती सिंपल पीको ही अच्छी लगती है ये मैंने करवा लिया था और शाम को तैयारी मतलब सुबह से ही आज तैयारी चल रही है पहुंच गए थे हम मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना सकी हम लोगों का डिनर मनल में था मनाल का खाना आप सब बहुत सारे लोगों को पता ही होगा बहुत अच्छा होता है बहुत मज़े का होता है हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं यहाँ का खाना बूफे सिस्टम था हम खा चुके थे ऑलमोस्ट किसी का मीठा चल रहा था और किसी का एंड था चाय चल रही थी तो मैं फ़िलहाल सैलड पर थी ये हमारे छोटू की बर्थडे सेलिब्रेट हुई क्योंकि हम इतना खा चुके थे तो हमने केक काटने का नहीं सोचा केक काटना मुनासिब नहीं समझा हमने एक स्लाइस ही कट कर लिया और उसी में ही हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया इस छोटू ने भी बहुत इन्जॉय किया था आई एम सॉरी मैंने इसकी आ, इसके फेस को ब्लर किया है बिकॉज मैं नहीं चाहती छोटे बच्चों को फजूल में हम अपनी वीडियोस में व्लॉग्स में ऐड करें स्पेशली जब वो आपके अपने बच्चे ना हो तो आ, मनाल का व्यू इज़ ऑसम आज क्योंकि मैच भी था पी का तो रश भी बहुत शदीद था हम लोगों को भी बहुत देर लगी जौहर टाउन से मिलता वो मनाल आने में हमें तकरीबन सवा घंटा लग गया था और वो सामने जो ग्राना है ग्राना का जो पोस्टर उसके पीछे मैच हो रहा है वो आपको एक बिग फ्लड लाइट भी नज़र आ रही होगी ये मैच ही हो रहा है वहाँ पे पीएसएल का मैच हो रहा था सो so, uh, मख्तल लोगों की मुख्तलिफ़ राए होती हैं रमज़ान के लिए मैं क्या करती हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें पहले से ही तैयार कर लेती हूँ जैसे कि शरबत के लिए जो मीठा हम लोग शरबत बनाते हैं कोई भी जूस बनाते हैं उसका मीठा हम उसी टाइम में मि मिक्स करते हैं बट मैं क्या करती हूँ कि मैं शीरा बना के रख लेती हूँ और वो मुझे तकरीबन एक दफ़ा का बनाया हुआ फिफ्टीन डेज चल जाता है पंद्रह रोज़ों तक और उसके बाद मैं दोबारा बना लेती हूँ तो वो बहुत आसानी हो जाती है ये सारे जो भी छोटे छोटे आइडियाज़ जो मैं करती हूँ ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँ कि आप लोगों के साथ रमज़ान की से पहले करने की जो तैयारियाँ होती हैं और जिस तरह की मैं जो जो तीन चार तरह की जो मैं चटनियाँ बनाती हूँ बहुत मज़ेदार मेरी अम्मी की रेसिपीज़ हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पकोड़ों के साथ खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और उनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं एक दो जो आप दही बड़ों के साथ या चाट के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं सो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें लाइक करें आ, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें अगले व्लॉग तक के लिए हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा